अभी ऑलमोस्ट 12:30 बजने वाले हैं और मैं देख के आई हूँ, बेबी सो रहा है। अच्छे होंगे और ढेर सारा खुश होंगे। और अगर आपने कल का वीडियो देख लिया है तो आपको पता होगा मेरी सिस्टर के बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो जस्ट अभी 1/2 घंटा पहले ही मैं वहाँ से आई हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ एक्चुअली। और मैंने यहाँ पे चाय बनी रखी हुई है तो अभी मैं चाय छानूंगी, फिर हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि ना अभी मैं आई हूँ, कल मैं गई थी मॉर्निंग में, रात को मैं वहीं रुकी थी, अभी आई हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी जल्दी से ये काम वाम ख़त्म करके उसके लिए खाना वाना बना के फिर से चली जाऊँगी थोड़ी बहुत देर में, या फिर शाम को देखते हैं कैसे क्या होगा, वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए देखिए, चाय में ना बॉयल आ गया है, वॉइस बहुत अजीब सी हो गई है मेरी। सो पहले हम चाय छान लेते हैं, ठीक है? ये है हम दोनों की चाय, ये है इनकी और छोटे से कप में है मेरी। पकड़ना। हाँ, कोई बात। अभी टाइम हो रहा है 3:30 एंड जस्ट अभी कपड़े लेकर आई हूँ छत से, आ रही हूँ और जस्ट अभी मैं छत से कपड़े लेकर आई हूँ, शायद ये आ गए। कौन है? RRR देख के आ रहे हैं अकेले अकेले। बहुत ही जबरदस्त पिक्चर, आप रिव्यू दो यहाँ बैठ के। पता है क्या, इनका ना काफी टाइम से मन था कि हम लोग RRR देखने जाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा अभी मन नहीं है मेरा रहने, तो आप अकेले देखा हो तो फिर ये गए थे। बहुत बढ़िया पिक्चर है, हम तो कहते हैं आप भी देखो सब जाके। और ये लाइन सवारी के लिए आइसक्रीम, ठीक है। सो क्या कह रहे थे, हाँ, और नींद बहुत आ रही है, हमें सच में नींद आ रही है, और ना नींद आ रही है, लेकिन मैं लेट ही, पता है बहुत देर मैं लेट ही रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, फिर अकेले मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। तो अभी ये आ गए हैं, अभी हम बनाएंगे चाय, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी साक्षी के पास हॉस्पिटल। सो उसके लिए मैं कुछ खाना वाना बना के ले जाऊँगी, देखते हैं अभी डिसाइड नहीं किया है। चलिए पहले हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं। सच में अगर तुम होती बहुत चिंता पर बड़ी ब्लॉग बना रही है। तो क्या हो गया, चलो खोलो। अच्छे है ना गाइस, ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, आलू तैयार कर लिए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, ठीक है। सो चलिए बना लेते हैं, फिर पैक करना है। और टाइम कितना हो रहा है ये देखिए, 5 बजने वाले हैं, 6 बजे हम लोग को निकलना है। और साथ ही ना ये देखिए, मैंने ना पानी बॉईल करके यहाँ रख दिया ठंडा होने के लिए, साक्षी के लिए पानी लेके जाना है। और गाइस अभी मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ना मैं अपने लिए और भैया के लिए और साक्षी के लिए बना के हॉस्पिटल ले जाऊंगी, और इनको ये बोल रहे थे हम यहीं पे खा लेंगे, सो इनको यहीं पे परोस के दे दूंगी। तो पहले मैं क्या करूंगी ना, पहले मैं सारे पराठे बना लूँगी, लास्ट में इनको दूंगी, क्योंकि ये बोल रहे थे हम थोड़ा लेट खाएंगे तो इसीलिए। और गाइस आपको कन्फ्यूज़न होता होगा मैं भैया किसको बोलती हूँ, तो मैं साक्षी के हस्बैंड को भैया बोलती हूँ, और कभी कभी उनको उनके नाम से बुला लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं उनको भैया ही बोलती हूँ, मुझसे ना नाम लेके किसी को बुलाया नहीं जाता है, सो इसीलिए। और ये देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताओ, ठीक है।
मैंने पराठा रख लिया है इसमें, और इसमें है अचार, इसमें है दही, ये देखिए, और ये खाना हो गया है भैया के लिए। यहाँ पे इनके लिए अभी मैं बनाऊँगी जब मैं जाऊँगी उससे थोड़ा पहले। अभी मैं किचन समेट देती हूँ पहले। और ये पानी जो मैंने बॉयल करके रखा था साक्षी के लिए वो बोतल में मैं डाल दूँगी। और बोलते हैं ना कि न्यूली मॉम मतलब जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद गर्म पानी ही पीना चाहिए, और बॉइल्ड वाटर बताते हैं, तो मैंने ना इसको बॉयल करके रखा था, तो अभी हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैंने बोतल में डाल दिया है। मैं इसको ले जाऊँगी और साक्षी के पास वहाँ पर जो गर्म पानी रहता है ना वो वाली बोतल है, सो फिर मैं आ जा कर उसमें डाल दूँगी, तो इसीलिए मैंने इस बोतल में डाल लिया है। और मैंने खाना अभी सेक के मैं पराठे बना के इनको दे दिए हैं, और जब तक ये खाना खा रहे हैं मैं बाकी की चीज़ें कर लूँगी। खाना मैंने पैक कर दिया है, सारी चीज़ें मैं एक जगह पर ला के रख दूँगी, उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन साफ़ किए हुए बिना मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलता। मैं कितनी भी जल्दी में हूँ मुझे खाना खाना रह जाए, लेकिन मैं किचन साफ़ करके ही जाती हूँ। मैं मोस्टली मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किचन साफ़ कर दूँ और फिर ही कहीं जाऊँ। तो अभी ये खाना खा रहे हैं, जब तक मैं किचन साफ़ कर दूँगी, बर्तन वह धुल दूँगी, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और बेबी को ना गाइस कल से थोड़ा आराम है, और होपफुली वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप लोगों ने भी ना इतनी सारी प्रे की है बेबी के लिए, सो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। और गाइस अभी हम लोग हो गए हैं जाने के लिए तैयार, सामान ही रखा है, मास्क मेरे हाथ में, इनका थोड़ा सा काम रह गया है, ये वो कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे ही फोन करके बनाई जाती है ना। कैसे लग रहा है आलू के पराठे देख के? गरम है साक्षी, गरम है। क्या कर रही हो शिवानी? ये गलत बात है, हॉस्पिटल में मस्ती हैं हैं, आराम से बनाएंगे, क्लियर करने पता। ये गाइस ये जा रहे हैं मुझे यहाँ पे छोड़ के, फिर मैं देखती हूँ बस सुबह चली जाऊँगी। बाय। और गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर पे। अभी क्या मैं सुबह ही आ गई थी, सुबह लगभग 8:30 के समथिंग में आ गई थी, और वैसे तो मैं आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इनका ऑफिस है आज मंडे है, तो फिर इसीलिए मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। और
कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। पता है कुछ कैमरा ऑन करती हूँ इतना अंदर से अजीब सा लगना स्टार्ट हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। पता है क्या गाइस, बेबी के कुछ टेस्ट हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है आज। तो अगर उसमें सब कुछ ठीक होता है तो बेबी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो अभी ना 2:30 बज रहे हैं और टेस्ट उसके 9 बजे के समथिंग डॉक्टर उसका सैंपल ले गए थे, जो भी लोग सैंपल लेते हैं। तो जब से हम लोग वेट कर रहे हैं उन्होंने कहा था 11 बजे रिपोर्ट आ जाएगी, फिर एक ने कहा कि 1 बजे आ जाएगी, लेकिन 2:30 बज गया है और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। सो हम लोग यही वेट कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट आ जाती है सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो बेबी को डिस्चार्ज मिल जाएगा आज। बस यही लग रहा है कि जल्दी से रिपोर्ट आ जाए। इतना बुरा लगता है ना वहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा। पता है मुझे लगता है ना कि भगवान कभी भी किसी छोटे बच्चे को बीमार ना करे, चाहे उसकी मम्मा पापा उसकी फैमिली में किसी को भी बीमार कर दे, लेकिन छोटे बच्चे को बिल्कुल भी कभी बीमार ना करे। वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं पाते, पता भी नहीं चलता है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको पेन हो रहा है, इसको कैसा लग रहा है। हम लोग तो बोल के फिर भी बता देते हैं कि ना पेन हो रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, बेबी कुछ भी नहीं बता पाते हैं। बस इतना बुरा लगता है ना वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, कोई 5 दिन का है, कोई 3 दिन का है, कोई 2 दिन का है। आप लोग सोचिए 2 दिन का बच्चा कितना छोटा होता है यार। और पता है क्या, वहाँ पे जाओ तो इतना बुरा लगता है कि ना किसी के पास पैसे नहीं है बच्चे का इलाज कराने के लिए, किसी के पास पैसे हैं तो उसका बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। पता है क्या, वहाँ पे एक अंकल जी हैं तो उनके बेटे को बेटा हुआ है, तो वो लोग कहीं रहते हैं यहाँ से। उन्होंने बताया था कि आगरा से 80 किलोमीटर दूर उनका गाँव है। सो अकेले थे, बेबी उनका एडमिट था, वो अकेले उस बेबी के साथ थे, तो बहुत रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे एक आंटी थी तो उन्होंने पूछा कि ना क्यों रो रहे हो, तो बोल रहे थे कि ना हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका इलाज करा पाएं। बहुत बुरा लगता है यार सच में। वहाँ पे ना सभी एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे, सब एक दूसरे से एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि सभी परेशान थे, सभी के बच्चे वहाँ पे एडमिट हैं। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो मन से ना ये चीज़ें निकलती नहीं है। एक बहुत छोटा बच्चा था जिसका ना इतना पतला था, बहुत ज़्यादा, इतने इतने पतले से उसके पूरे हाथ पैर थे। सो वो ना बस गया है मेरी आंखों में। पता मैं कितनी भी कोशिश करूँ उसके बारे में ना सोचूँ, लेकिन वही मेरे मन में, मैं काम कर रही हूँ वही घूमता रहता है, खाना बना रही हूँ वही सब घूमता रहता है। सो ऐसे करके हो जा रहा है। तो ठीक है गाइस, अभी मैं फिर से फ़ोन करके पूछती हूँ एक बार रिपोर्ट्स आई कि नहीं। वैसे आ जाएगी तो वो खुद ही फ़ोन करके बता देगी, लेकिन ठीक है पूछ लेती हूँ। वही वाला वीडियो भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। सो